बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बाढ़ से जुड़े हुए बाढ़ के माननीय विधायक और साथी भाई ज्ञानू जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रामचंद्र भारती जी, जिला परिषद की अध्यक्षा उपाध्यक्षा, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्टी के हम लोग के नेता शंकर जी, परशुराम पारस जी, जिलाधिकारी पटना और उप विकास आयुक्त एवं बाहर पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित साथी, आज मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के लिए एक अद्भुत, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था और किसी की सोच में भी नहीं था कि बाढ़ में एक सुंदर बिल्डिंग और सुंदर अतिथि गृह बनेगा, सामुदायिक भवन। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी जिसकी चर्चा ज्ञानू जी ने की, भंडारक से लौट रहे थे तो इन्होंने देखा था वो डाक बंगला जो पहले से था, उस डाक बंगला में जो रात में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी जाने में लोगों को डर लगता था, इसलिए कि चारों तरफ जंगल झाड़, कहां सांप बिच्छू क्या घुसेगा। और उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भव्य बिल्डिंग बनाइए और बाढ़ में कोई मीटिंग करने के लिए कोई हॉल नहीं है और उस हॉल का भी निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो सरकारी कोष का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी कोष का इस्तेमाल इसमें नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री स्थानीय विकास से राशि दिया, हम लोगों ने सबने दिया, हमने दिया, रामचंद्र भारती जी ने दिया और जितना का डीपीआर बना संपूर्ण राशि हम लोगों ने दिया। कुछ पैसा घट रहा था तो गांधी जी ने भी, संजय गांधी जी ने भी दिया, सब लोगों ने दे के इसको बनाया और आज ये बन के तैयार है और बाढ़ के लोगों के लिए आज एक सभागार भी वहां तैयार है, जिसकी चर्चा डीएम चंद्रशेखर जी ने किया कि वो सभागार भी तैयार है। आज कल से कोई मीटिंग करने की आवश्यकता अगर होगी, कोई बाढ़ में सभा करना, कोई भी कार्यक्रम हो तो उस मीटिंग में हॉल से ये कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो ये सब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बाढ़ से भावनात्मक लगाव है उसका ये परिलक्षित होता है। हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि भाई आप परिसीमन आयोग में थे, मेरा बाढ़ संसदीय क्षेत्र आप नहीं बचा पाए, हमसे कहते हैं, लेकिन ये उस बात को संकेत करता है कि बाढ़ के प्रति जो इनका भावनात्मक लगा रहा है, 5 बार सांसद रहे वहां से, तो बाढ़ के प्रति जो इनका भावनात्मक लगाव है वो इसको दर्शाता है। अब बाढ़ के विकास की ज्ञानू जी चर्चा कर रहे थे, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज जो हरनौत से सक्सोहरा होते हुए बाढ़ तक जो एनएच बन गया उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था, वो कोई सोचा भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे तो इन्होंने उसको स्वीकृत किया। तो बाढ़ के प्रति, या बाढ़ में जो टाल का पूरा इलाका है, टाल का जो पूरा इलाका है वो पूरा जलमग्न रहता था ना, पूरे टाल के इलाके में तो लोग नरकीय जीवन जीते हैं ना पूरे बरसात के दिनों में। आज क्या है, हर गांव में बिजली उपलब्ध है, विकास तो पूरे बिहार में हुआ है विकास का, बिजली का। और ज्ञानू जी चर्चा कर रहे थे नीति आयोग को, छोड़िए ना नीति आयोग, नीति आयोग को जो किताब छापना है वो छापता रहे, बिहार की जनता जानती है और बिहार के एक एक लोगों के मन में और एक एक लोगों के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं, इसलिए बिहार का विकास। अब नीति आयोग किताब छापते रहे, कौन पढ़ने जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट, अखबार में छपवाते रहते हैं तो वहां से जो बैठे बैठे कागजी जो शेर लोग हैं वो अपना करते रहे,
लेकिन जो विकास बिहार में हुआ है, ठीक कहा जानू जी ने, बिहार में जो विकास हुआ है किस प्रदेश में हुआ है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र और ये कई प्रदेश हैं, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब तो विकसित प्रदेश है। बिहार कहां खड़ा था? बिहार में क्या आधारभूत संरचना था? बिहार में कोई आधारभूत संरचना नहीं था, चाहे सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, भाई चलता था ना 15 साल पहले। अपहरण का उद्योग चलता था, रंगदारी का उद्योग चलता था, फिरौती का उद्योग चलता था। अब फिरौती का फैसला कहां होता था? बिहार के सब लोग जानते हैं। तो इसलिए उसकी चर्चा छोड़ दीजिए ज्ञानू जी की। नीति आयोग को जितना किताब छापना है वो छापते रहे। बिहार की एक एक जनता के मन में नीतीश कुमार जी बास करते हैं और नीतीश कुमार जी इसलिए कोई नारा के रूप में नहीं, नीतीश कुमार जी इसलिए विकास पुरुष कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने बिहार में विकास को सरजमीन पर उतार के दिखा दिया है, उतार के दिखाया है। इसलिए आज इस अवसर पर बाढ़ के लोगों के को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये डाक बंगला, सामुदायिक भवन और जो हॉल बन रहा है वो उसको समर्पित किया है बाढ़ के लोगों को। इसलिए बाढ़ के संपूर्ण सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आप करते हैं बहुत बहुत।